ट्रंप के इस्तीफे की खबर के साथ देश भर में बिकी वॉशिंगटन पोस्ट अखबार की नकली प्रतियां। अमेरिका में बुधवार सुबह लोगों को वॉशिंगटन पोस्ट अखबार की नकली प्रतियां मुफ्त में बांटी गईं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के इस्तीफे की खबर फ्रंट पेज पर छपी थी। हालांकि इससे पहले कि लोग समझ पाते कि यह फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों का प्रोपेगेंडा है, यह खबर आग की तरह पूरे अमेरिका में फैल गई। सोशल मीडिया में यह खबर पेपर की फोटो के साथ तेजी से सर्कुलेट होने लगी। अखबार ने ट्विटर पर बताया, सच इस खबर के वायरल होने के बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने खुद सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि कुछ लोगों ने फर्जी खबरें फैलाने के लिए अखबार की नकली प्रतियां छापकर बांटी हैं। अखबार ने लिखा, हमें कुछ वेबसाइटों के बारे में पता है जो हमारी नकल करती हैं, लेकिन वे हमसे नहीं जुड़ी हैं। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। डिजाइन और साइज कर लिया कॉपी। अखबार की खास बात यह थी कि यह हर तरह से वॉशिंगटन पोस्ट जैसा ही था। डिजाइन और साइज में भी इसे बिल्कुल कॉपी बनाया गया। इसके फ्रंट पेज की हेडलाइन 6 कॉलम में थी और इसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अनप्रेसिडेंटेड यानी राष्ट्रपति पद से अपदस्थ। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप की गुस्से में सिर झुकाए फोटो भी लगी थी। साथ ही नीचे लिखा था, ट्रंप के जल्दबाजी में व्हाइट हाउस छोड़ने के साथ इमरजेंसी का अंत। अखबार में बाईं तरफ लिखा था, ट्रंप का दौर खत्म होने के साथ ही दुनिया भर में जश्न का माहौल। हालांकि इसमें तारीख 1 मई 2019 पड़ी थी, जिसे कुछ ने तो शुरुआत में ही पकड़ लिया, लेकिन बाकी इसे नहीं समझ पाए। चौंकाने वाली बात यह है कि अखबार की नकली प्रतियां व्हाइट हाउस के पास भी मुफ्त में बांटी जा रही थीं। वायरल हुआ महिला के अखबार बांटने का वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक महिला को व्हाइट हाउस के बाहर अखबार की नकली प्रतियां बांटते देखा जा सकता है। वह लोगों से इसे वॉशिंगटन पोस्ट का स्पेशल एडिशन बताते हुए मुफ्त में देती है। उसके पास एक बड़े प्लास्टिक बैग में अखबार भरे थे। वह अखबार को रास्ते से गुजरने वाले हर व्यक्ति को दे रही थी।